हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक रोमांचक कॉमिक्स, मैं समय हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक, मैं समय हूँ। समय, जिसका जन्म भी ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही हुआ है, हर जीवित या मृत, यहाँ तक कि ऊर्जा के भी साथ जुड़ा हुआ है समय। और यह समय की शक्ति ही है जो पूरे ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाती है। लेकिन क्या होगा अगर कोई समय को ही चलाने लगे, ब्रह्मांड के निर्धारित नियमों को बिगाड़ने लगे और कहने लगे कि मैं समय हूँ। संजय गुप्ता की पेशकश, मुझको जो चाहिए उसका पता तुझको है ध्रुव, और अगर तूने मुझको उस चीज का पता नहीं बताया तो तुझे मारने में मुझको जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। अरे, 1 सेकंड पहले तो यह मुझसे 20 फुट दूर था और अभी इसने मुझे फांसी पर लटका रखा है। पर कैसे? अख, क्योंकि मैं समय हूं। मैं कहीं भी जा सकता हूं पर कोई मुझसे बचकर नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय सागर में स्थित ये रोबोलैंड द्वीप अनोखा है क्योंकि इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड में फिर से कदम जमाने के बाद यहीं से पूरी दुनिया के अपराध जगत पर राज करता है ग्रैंड मास्टर रोबो। हमारा एटॉमिक पावर प्लांट अब तक चालू क्यों नहीं हुआ? क्या तुमको पता नहीं है कि हमको बिजली की सख्त जरूरत है? बिना पावर के हम दुनिया पर राज कैसे करेंगे? साउथ अफ्रीका से हमारी जो शिप स्मगल्ड यूरेनियम की छड़ें लेकर चली थी, वह अभी तक यहाँ पहुंची ही नहीं है। ग्रैंड मास्टर रोबो, वह सिर्फ कौन लेकर आ रहा है? आपका खास विश्वास पात्र आदमी जो जूनियर। हमारे धंधे में ना तो कोई खास होता है और ना ही विश्वास पात्र। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को चालू करो और उसकी मदद से पता लगाओ कि शिप कहाँ पर है। आपका शक सही था ग्रैंड मास्टर, जो जूनियर गद्दारी कर रहा है। सिप रोबोलैंड पर आने के बजाय उत्तरी कोरिया की तरफ जा रही है। उत्तरी कोरिया एक छोटी मोटी परमाणु शक्ति है, लेकिन लगता है वह हमारी यूरेनियम रोड्स की मदद से परमाणु बम बनाकर एक बड़ी परमाणु शक्ति बनना चाहता है, और इसके लिए उन्होंने जो जूनियर को भी एक बड़ी रकम दी होगी। लेकिन रोबो जो जूनियर को उस गद्दारी की जो सजा देगा, वह इस रकम से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। जो, क्या तुम ग्रैंड मास्टर जो क्या तुमको ग्रैंड मास्टर का जरा भी डर नहीं है? नहीं, क्योंकि यूरेनियम छड़ों के बदले उत्तर कोरिया ने मुझे 3 परमाणु बम देने का वादा किया है, और वे बम मिलने के बाद इस दुनिया का सबसे बड़ा माफिया ग्रैंड मास्टर जो जूनियर होगा, रोबो नहीं। लेकिन अगर हमारे उत्तर कोरिया तक पहुंचने से पहले ही रोबो हम तक पहुंच गया तो ही, हा। अरे, रोबो यहाँ तक आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके मशीनी शरीर का एक ही दुश्मन है, पानी। अगर वह पानी में गिर गया तो उसका आधा बदन तो शॉर्ट सर्किट से उड़ जाएगा, और रोबो के अलावा उसके किसी भी आदमी में इतना दम नहीं है जो जो की तरफ आंख भी उठाकर देखे। फिर भी तू चारों तरफ नजर रख, पानी के ऊपर भी और पानी के नीचे भी, रोबो का कोई भरोसा नहीं है। जो, वो देखो, कहीं ये कोई मिसाइल तो नहीं है जो रोबो ने हम पर छोड़ी है? रोबो के पास ऐसी मिसाइलें नहीं है जो रोबोलैंड से यहां तक कवार कर सके, ये कुछ और है। औ, पर ये है क्या? ये कोई उल्का है, एक मामूली सी उल्का। तू इतना चिल्ला क्यों रहा है स्मिथ? क्योंकि मुझे लगा कि ये रोबो का ही काम है। रोबो आसपास आसमान में तो नहीं है? तू मुझे पानी के नीचे की पोजीशन बता, सोनार स्क्रीन पर देख। इसमें तो शार्कों के झुंड के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। शायद रोबो को अब तक हम पर शक हुआ ही नहीं है। गलत। रोबो, तुम, आप यहां पर कैसे? वह भी पानी के अंदर से। ग्रैंड मास्टर रोबो बोल गद्दार, तू यही समझता था ना कि जब तक तू पानी के बीच में है तब तक तू रोबो से बचा हुआ है,
क्योंकि मशीनी रोबो को पानी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तू ये भूल गया कि पानी से चीजों को बचाने के लिए किसी भी वस्तु पर प्लास्टिक की परत चढ़ाई जा सकती है, यानी लेमिनेशन। आह, आपने अपने बदन पर लेमिनेशन करा लिया है, सिर्फ मशीनी अंगों पर, लेकिन तेरी लाश पर मैं पूरा लेमिनेशन कराऊंगा और उसको अपने दरबार में लटका कर रखूंगा ताकि हर कोई ये देख सके कि रोबो गद्दारों के साथ क्या सलूक करता है। हम नहीं, तू खत्म होगा रोबो। गोलियों की बौछार रोबो की तरफ लपकी तो जरूर, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाई। अब बस, अब नाक रगड़ कर भी माफी मांगोगे तो नहीं मिलेगी। रोबो तुम सबको यहीं पर जिंदा जला देगा। आह, माफ कर दो ग्रैंड मास्टर। मैं सारा यूरेनियम तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बस मुझको लेमिनेट मत करना। वो रहे यूरेनियम से भरे शोक प्रूफ और वाटर प्रूफ बॉक्स, ले लो सारे ले लो। तेरी ये बात मैंने मान ली, जो ले लिया सारा यूरेनियम, लेकिन तुमको लेमिनेट ना करने की बात मैं मान नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा था कि चाहे नाक रगड़ ले, जान की माफी नहीं मिलेगी। जो के बदन की तरफ लपका प्लास्टिक गोल उस डॉल्फिन के शरीर पर चिपकता चला गया। ध्रुव, तुम यहां पर कैसे? यूरेनियम रॉड्स स्मगल किए जाने की जानकारी हमको पहले ही मिल चुकी थी, बस हमको ये नहीं पता था कि इस वक्त इस समुद्री क्षेत्र में मौजूद सैकड़ों जहाजों में से वे रोड्स किस जहाज में है। ये जानने के लिए अमेरिकी सरकार ने भारतीय सरकार से संपर्क किया और भारतीय सरकार ने मुझसे, और मैंने संपर्क किया डॉल्फिनों से, और जब इनसे मुझको तुम्हारे क्षेत्र में होने की बात बताई तो मैं तुम्हारी तलाश में यहां तक आ गया। अब इन यूरेनियम रॉड्स के साथ साथ मैं जूनियर जो को भी कब्जे में ले लूंगा। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास जब सबूत होंगे तब मैं तुमको भी गिरफ्तार करूंगा रोबो। फिलहाल तुम कोरियन पुलिस के यहां तक पहुंचने से पहले यहां से रवाना हो जाओ। होश में आओ ध्रुव, मैं यहां से रवाना जरूर होऊंगा, पर यूरेनियम रॉड्स लेकर। मुझे उनकी सख्त जरूरत है और वह जरूरत पूरी करने के लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। इसलिए बेहतर है कि यूरेनियम भूलकर तुम यहां से रवाना हो जाओ, यानी बगैर तुमको रास्ते से हटाए मैं यूरेनियम रोड्स को कब्जे में नहीं ले सकता। रोबो को रास्ते से हटाना हिमालय को हिलाने की कोशिश करने जैसा है। पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है रोबो, बस एक बड़े से भूकंप की जरूरत होती है, और भूकंप पहाड़ को सिर्फ हिलाते ही नहीं है, उसे चूर चूर भी कर सकते हैं। रोबो चूर चूर होता नहीं, चूर चूर करता है वो, या फिर राख बना देता है। उफ, राख। अब बोल ध्रुव, जिंदा जाएगा या लाश बनकर जाएगा? जाने वाला तो चला गया रोबो, उधर देखो। वह गद्दार हमारी लड़ाई का फायदा उठाकर यूरेनियम लेकर भाग रहा है। मैं इसकी रबर बोट को पिघला दूंगा। नहीं रोबो, उसके हाथ में एक रिमोट है, कूदो। ब्राम, हा, तेरे स्वागत के लिए मैंने तोपों की सलामी का इंतजाम पहले से ही कर रखा था रोबो। हा, अब उत्तरी कोरिया के तट तक पहुंचने से मुझको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम चाहे कितना भी तेज तैर लो पर मेरी मोटर बोट की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बाय बाय रोबो, तुमको मौत देने के लिए मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा। उफ, मेरे पास रॉकेट बूस्टर तो हैं, लेकिन उनमें इस मोटर बोट का पीछा करने लायक शक्ति नहीं है, और मेरी लेजर आई भी इतनी दूर तक वार नहीं कर सकती है। यूरेनियम रोड्स हमारे हाथों से निकल चुके हैं। हमारे नहीं रोबो, तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। जूनियर जो तुमसे बचकर भाग सकता है पर मुझसे बचकर नहीं। अगले ही पल मोटर बोट हवा में उड़ गई, त्राक, आह, और सतह तक उसके सवारों की सिर्फ राख ही पहुंच सकी। अब तुम मेरी लेजर आई की रेंज में आ गए हो जूनियर जी, और मेरे और यूरेनियम के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। उफ, ध्रुव, इसको रास्ते से हटाए बगैर मैं यूरेनियम नहीं पा सकता। इसने मुझको डॉल्फिनों से घेर लिया है और खुद
यूरेनियम के बक्सों को ले जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, मैं इन डॉल्फिनों से शायद नहीं निपट सकता, लेकिन इनसे निपटने के लिए मदद जरूर बुला सकता हूँ। लेजर रे डॉल्फिन का पेट चीरती चली गई और पानी में फैली खून की गंध ने शार्कों के उस झुंड को डॉल्फिनों की तरफ खींच लिया, जिनके बीच में छुपकर रोबो जूनियर जो तक पहुंचा था। अब देखता हूं कि मेरा माल लेकर ध्रुव कैसे जाता है। अरे, ये झटका कैसा था? रोबो ये डॉल्फिनों से बचकर आ गया और इसने स्टार लाइन को तोड़कर यूरेनियम रोड्स के बक्सों को हासिल कर लिया है। इसके पीछे चलो डॉल्फिन। पानी में दोनों बोलकर धमकियां नहीं दे सकते थे, लेकिन दोनों की ही आंखों में दृढ़ निश्चय तैर रहा था। दोनों को ही एक ही चीज चाहिए थी, यूरेनियम रोड्स, और वे दूसरे को वह ले जाने नहीं दे सकते थे। एक भयंकर टकराव निश्चित था, लेकिन एक के पास कड़ी धातु का आधा शरीर था। लेजर आई थी जो पानी के अंदर होने के कारण घातक तो नहीं थी, परंतु बेअसर भी नहीं थी, और दूसरे के पास सिर्फ अपने दोस्तों की मदद की शक्ति थी, और फिलहाल उसके दोस्त डॉल्फिन उसकी मदद नहीं कर सकते थे। तेरा ये हाल करते मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ध्रुव, पर गलती मेरी ही है। तू अगर पहले मेरी बात मानकर भाग जाता तो कम से कम तेरी जान तो बच जाती। आह, रोबो के वार बहुत शक्तिशाली है, मैं इसकी मशीनरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, पर मुझको मुकाबला तो करना ही है। आओ, कमाल है, मैंने कराटे का वार रोबो के मशीनी अंग को तोड़ने के लिए उनके जोड़ों पर किया था, लेकिन मेरे हाथ किसी पारदर्शी चीज से टकराए। समझा, रोबो ने अपने मशीनी अंगों को प्लास्टिक के खोल से ढक रखा है, इसीलिए पानी इसके इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे तक पहुंचकर इसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। अब मुझे रोबो से निपटने का रास्ता मिल गया है। अरे अरे, ये पागल हो गया है क्या? अपने कपड़े क्यों फाड़ रहा है? अपने कपड़े फाड़े तो फाड़े, पर अब ये उन चीथड़ों को मेरे हाथ पर भी बांध रहा है। ये सचमुच पागल हो गया है। रोबो हक्का बक्का है, ये जरूर मुझे पागल समझ रहा होगा, लेकिन ये नहीं जानता कि इस कपड़े के अंदर एसीटोन द्रव से भरे हुए कैप्सूल है जो मैंने अपनी बेल्ट से निकाले हैं, और एसीटोन प्लास्टिक को गला देता है। कड़ाक! इनको कपड़ों में बंद करके तोड़ना इसलिए जरूरी था ताकि एसीटोन समुद्री पानी में घुलकर बह न जाए। प्लास्टिक का कवच हटते ही समुद्री पानी रोबो के मशीनी अंगों के अंदर घुस जाए घुसकर गड़बड़ी पैदा करने लगा। आह, ये पानी मेरे अंगों के नाजुक पुर्जों को नष्ट कर रहा है। अपने मशीनी अंगों पर मेरा कंट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। जल्दी ही मेरा बायां मशीनी हिस्सा बेकार हो जाएगा, और मशीनी अंग के बेकार होते ही मैं बेकार हो जाऊंगा। रोबो का भारी बदन पानी में धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। आह, अब ध्रुव यूरेनियम रोड्स के साथ साथ मुझको भी ले जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे, मेरा हाथ किसी चीज में जा अटका है। क्या है ये चीज? ये तो किसी मशीन का एक हिस्सा लगता है, शायद किसी टूटे जहाज के पुर्जों का एक हिस्सा। मैं तो समझ रहा था कि शायद किस्मत ने मेरे पास बचने का कोई रास्ता भेज दिया है, लेकिन ये भला मेरी क्या मदद करेगा? इसको उतार कर फेंक देना ही ठीक होगा। रोबो के हाथ से मशीन का न जाने कौन सा हिस्सा दबा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।